स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए व्लॉग में। और ये तो नॉर्मल व्लॉग नहीं है, आज का जो व्लॉग है बहुत सरप्राइज व्लॉग आप लोगों के लिए। आज जो है हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर जो है 6 महीने एकदम पर्यटक स्थल बना हुआ रहता है और साल के 6 महीने जो है वो एकदम वीरान शमशान जगह रहती है जहाँ पर कोई बच्चे तक नहीं पटकते। आज ऐसी जगह पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये नॉर्मल व्लॉग नहीं है। और ये जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ पधारो मारो देश एक सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में जगह जगह जाऊँगा, राजस्थान में जाऊँगा घूमेला जो जगह जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उसका ये पहला एपिसोड है पधारो मारो देश सीरीज का। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज जो पसंद आएगी और आप आज की वीडियो के अगर बहुत सारा प्यार दिखाते हैं तो मैं बहुत जल्दी ये सीरीज जो है कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल हम आ चुके हैं मार्केट से काफ़ी बाहर और पहले जो हम इसमें डलवाते थे पेट्रोल, अब पेट्रोल लगवा के फिर निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद में करते हैं आपसे बात। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है और बारिश के जैसा हो रहा है। सत सौ हाँ जो है पेट्रोल प्राइस है 111 रुपये 13 पैसे। और आपके वहाँ क्या है पेट्रोल प्राइस कमेंट करके बताइएगा। टाइम जो है 3 बज रहे हैं, पिछली बार जो रेडा में निकले थे शायद यहाँ से 4 से 5 बज गए थे, तो 1 से 1.5 घंटे लेट निकले थे यहाँ से। आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि 3 तो यहाँ पे बज गए हैं और कोशिश रहेगी 2 घंटे में पहुँचने की, तो फिर थोड़ा खींचेंगे बाइक पर तभी पहुँच पाएंगे टाइम पर। अभी हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से बाहर और बाइक को हमने कर दिया 80+। अभी फिलहाल जो है हमने पार कर लिया है धनौ और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था MS125 के माइलेज को लेकर, जिस पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारा 60 का दे रही है, हमारा 50+ दे रही है। और एक बंदा ने कमेंट किया था कि मेरी MT जो है वो दे रही है 45+ दे रही है, ऐसा कुछ था। तो मैं एक बार मेरा माइलेज अभी मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी है, जैसे मैंने वहाँ से 0-0 किया था पेट्रोल पंप से, ट्रिप वैसे ही चलती हुई आ रही है बाइक। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हाईवे राइड थी और स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो अभी आपको अंदाजा लगा लो ये ट्रिप है अभी जिसमें 20 किलोमीटर बाइक चली है। और अभी इसमें आप माइलेज देखना, 32 KMPL का माइलेज दिया देखो। अभी जो है ये मेरी बाइक नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल क्या 90 आई है बाइक, 80-90 आई है और 32 KMPL का माइलेज आप आंखों के सामने आप देख रहे हो। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई वीडियो में वो छेड़खानी नहीं है, डायरेक्ट क्लिप मैंने आपको दिखाई है। सीधा जो है मैंने पेट्रोल पंप से बटन डलवाया है और किलोमीटर पे 0-0 किए, बाइक भगाई है। आप खुद बताओ 125 cc की बाइक जो है वो आपको 32 KMPL का माइलेज निकाल के दे रही है, तो फिर क्या फायदा है 125 लेने का यार, 125 cc लेने का यार। अब जब आप 40-50 का जो माइलेज एक्सपेक्ट करते हो नहीं देती, कम से कम 40 के आसपास तो माइलेज देना चाहिए, नहीं दे रही है 30 के आसपास ये माइलेज निकाल रही है गाड़ी, तो फिर इस बाइक का क्या फायदा है। अगर 30 का माइलेज ही आपको लेना है तो इससे चाहे 2-4 कम दे, लेकिन फिर तो कोई ढंगी बाइक पर जाना चाहिए ना, बड़ी सीसी हाई सीसी की बाइक पर जाना चाहिए। अगर इस बाइक पर आप 125 cc पे चल रहे हो और माइलेज जो है आपको 32 का निकल के आ रहा है, क्या फायदा है यार। अभी जो है हम पहुंच चुके हैं रेडाना रण, हमने बाइक जो है सड़क से नीचे उतार ली है और जो रण का कच्चा रास्ता उसमें डाल दिया हमारी। आज भीड़ बहुत कम लग रही है क्योंकि लोग बहुत टाइम से आना चालू थे, तो आते गए देखते गए चले गए,
ऐसे कर करके तो भीड़ बहुत कम हो गई अभी यहाँ पर, नहीं तो जब हम पिछली बार आए तो तब लेट आए तो फिर भी भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थी। और पानी भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, पानी पिछली बार से इस बार तो जो है बहुत कम है। और यहाँ पर जो व्यू है ना एकदम बहुत ही बेहतरीन व्यू है, प्यारा व्यू है एकदम। हम अब जरा सा दूर हैं ये डाणा रहने के जो मेन पॉइंट है उससे, ये अभी रण भी आप देख लो, अभी पानी यहाँ पे बहुत कम बचा है। पिछली बार जब हम आए थे तब जो है पानी यहाँ तक था, ये जहाँ पर अभी हमारी बाइक चल रही है यहाँ तक पानी था। ये रोड जो है पूरा उसमें कवर हो गया था पानी में, वहाँ ऊपर वाले सड़क से हम गए थे तब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ भी थी और लोग एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा आते थे। अब जो एक दो बार आ गया वो बार बार तो एक जगह पर आएगा नहीं, तो इसलिए जो है भीड़ थोड़ी जो है पिछली बार से आज कम लग रही है। अभी जो है हम रेडाना रण में और मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ पूरे रण का, फिर इसके बारे में जो हम बात करेंगे आगे। ये आप देखिए छोटे छोटे पक्षी जो है अभी ये जो पानी की तलाश में जो इधर उधर आते हैं, जो एक मौसमी पक्षी है इनका नाम मुझे नहीं पता, अभी जब तक यहाँ पानी है तब तक ये हैं और फिर जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे ये। और एक बार मैं आपको लंबा व्यू दिखा देता हूँ, अभी इस तरफ आप देखिए पानी पानी दिख रहा है पूरा, ये लगभग नहीं तो 10 किलोमीटर का दायरा मान लो, 10 तो नहीं 7-8 किलोमीटर मान लो इतनी दूर तक है। और इस तरफ भी इतना ही है, 7-8 किलोमीटर मान लो कि इतना दूर तक होगा। ये प्लेन जगह है जिसकी वजह से जो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन 6-7 किलोमीटर आप मान के चलो। और इसको अगर सेंटर से देखा जाए तो पूरा ये 10 किलोमीटर के आसपास का वो जो है पूरा ये रण है जिसके अंदर पानी अभी बहुत कम पानी बचा है। पिछली बार जब हम आए थे तो ये जो टैक्सी जो खड़ी है अभी आप देख रहे हो, ये पूरी जहाँ टैक्सी खड़ी है यहाँ तक पूरा पानी था। और जो नीचे वाली जो सड़क अभी दिख रही है वो पूरी पानी में डूब चुकी थी, और ऊपर वाली जो सड़क है वहाँ से जो है लोग आ जा रहे थे। अभी बात करते हैं जैसे जैसे यहाँ पर जो है पानी कम होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों का जो आवागमन भी कम होता जा रहा है। और यहाँ पर अभी भी लोग आ रहे हैं, कुछ फैमिली और कुछ बच्चे आए हैं अभी भी। यहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है अभी भी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी भी 2-3 गाड़ियाँ आई है और यहाँ पर जो है लोग पानी में मस्ती कर रहे हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पर सूर्य देवता बहुत ज़्यादा प्रकाश फेंकते हुए, जिसकी वजह से जो आँखों में चुभन सी हो रही है। यहाँ के पानी की मैं एक आपको ख़ास बात बता दूँ, इतने लोग आते जाते हैं फिर भी ये देखिए पानी क्लियर कितना दिख रहा है इसके अंदर, देखिए आप कितना एकदम क्लियर सा पानी दिख रहा है अंदर। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तक मिट्टी जा रही है, लेकिन इसमें ये आप देखिए पानी एकदम कितना क्लियर लग रहा है, एकदम क्लियर पानी है, साफ पानी है पूरा। और यहाँ तक कि पानी के अंदर जो घास है वो भी एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में तो। अभी इसकी अगर बात करें तो ये लगभग 8-10 किलोमीटर के जो है स्क्वायर एरिया में जो है फैला हुआ है रेडाना का रण। और यहाँ पर अभी पानी थोड़ा कम है, ये जो पानी इकट्ठा होता है ये यहाँ पर एक तो ज़मीन ऐसी है जिसकी वजह से पानी यहाँ पर जो बरसता है वो भी इकट्ठा हो जाता है। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो पहाड़ दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा पहाड़, वहाँ से जो पानी आता है पथरीली ज़मीन से और जो पहाड़ों से होता हुआ आता है वो सारा पानी जो यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का भराव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर जो है लगभग साल में 4-5 महीने 6 महीने जो है भीड़ एकदम बेहतरीन भीड़ रहती है, और लोग जो है आते जाते हैं, फैमिलीज आती है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऐसी जगह है नहीं घूमने लायक। यहाँ पर रेडाना रण में आते हैं तो एकदम वैसी फील आती है जैसे कि मिनी गोवा वाली फीलिंग आती है, एकदम बीच वाली फीलिंग आती है। और अगर हमारे बाड़मेर ज़िले में और अगर कहीं बात करें तो ऐसी जगह और कोई है नहीं जहाँ पर इस तरीके से जो पानी इकट्ठा होता हो
और एकदम बीच वाली फीलिंग आती हो, तो लोग यहाँ रिडान आते हैं घूमने के लिए। और जब ये पानी सूख जाता है, जैसे अभी पानी कम होता जा रहा है और लोग भी कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे पानी सूखता जाएगा लोग आना कम हो जाएंगे, फिर जो है साल के लगभग 6 महीने जो है ये एकदम वीरान एकदम अकेला पड़ जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं आता गाँव वालों के अलावा। बाकी यहाँ पर जो है पर्यटक जो आते हैं, जैसे बाहर से जो लोग आते हैं, वो आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। साल के 6 महीने जो है ये एकदम वीरान पड़ा रहता है। तो अभी जो है हम लोग रण ऑफ रेडाना से वापस निकल रहे हैं, और जो हमारा प्लान था किराड़ू जाने का, वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 बजते ही जो है किराड़ू जो है बंद हो जाता है, किराड़ू में जाने नहीं देते 6 बजे के बाद। और उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं जब किराड़ू वाला वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको बता दूँगा। और रही बात आज के व्लॉग की, तो हम अभी रेडाना से वापस निकल चुके हैं घर की तरफ। कोशिश करी मैंने रेडाना को अच्छे से कवर करने के लिए, और जो मेरी ये जो सीरीज़ है पधारो मारे देश, सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिखाया तो, और बहुत जल्दी कंटिन्यू कर लूँगा क्योंकि मेरे को फुल टाइम यूट्यूब करना है, उसके लिए मैं ये पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ। अगर इस सीरीज़ पे, इस वीडियो पे अगर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखा दिया, ये रहा अपना रेडाना रण, दूर से व्यू आप देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। और अभी हम निकल रहे हैं वापस घर की तरफ, अभी हम रेडाना रण से थोड़ा ही बाहर निकले हैं। ये ज़मीन देखिए आप, ये रण के जैसी ज़मीन है, इसमें कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं होता है, ये खारे नमक वाली ज़मीन रहती है, ये रण की जो रहती है। तो आप देखिए, अगर आप हरियाली देखेंगे आगे हरियाली देखेगी, लेकिन इस ज़मीन में आपको कुछ नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं दे सकते, इसमें पूरा नमक रहता है, वो फसल को उगने नहीं देता, फसल होने नहीं देगा, और फसल बोना इसमें पॉसिबल भी नहीं है। तो ये होती है रण की ऐसी खारी ज़मीन, यहाँ पर सिर्फ पानी इकट्ठा होता है जो पहाड़ों से पानी उतर के आता है, या ज़मीन में जो भी बारिश गिरती है, या सड़क से भी जो जा रहा है वो पानी वहाँ पर चला जाता है। मिट्टी ऐसी होती है इसकी, पानी को बहुत जल्दी नहीं सोखती है, बहुत टाइम लगता है इस पानी को सूखने में, इसकी वजह से जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है, बहुत टाइम तक पानी पड़ा रहता है उसमें। तो अब बात करते हैं फिर से अपने पधारो मारे देश सीरीज की। तो इस सीरीज में जो है मैं करने वाला हूँ पूरे राजस्थान का भ्रमण, तो पूरे राजस्थान में आपको घुमाएंगे, जगह जगह की चीज़ें दिखाएंगे, राजस्थान की जो संस्कृति है वो दिखाएंगे, और जो राजस्थान के प्राचीन स्मारक जो है वो भी आपको दिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है जो राजस्थान वीर योद्धाओं की जो धरती रही है, तो उनसे जो वीर योद्धाओं से जुड़ी हुई चीज़ें ना, वो मैं सबसे पहले कवर करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ जो है मैं आपको संस्कृति दिखाऊंगा राजस्थान की, और साथ ही साथ अभी जो नई चीज़ें बन रही है पर्यटकों को लुभाने के लिए, उनको भी कवर करूँगा। और आज का जो व्लॉग है मुझे यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक्शन कैमरा की जो दूसरी बैटरी है वो भी लगभग अब ख़त्म होने को आ गई है, इस वजह से जो मुझे व्लॉग एंड करना पड़ेगा। और आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि राजस्थान भ्रमण का जो पूरा मेरा ट्रिप रहेगा, जो सीरीज रहेगी पधारो मारे देश, वो जो है इसी चैनल पर आने वाली है, और भी उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। और एक बात, और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछ सकते हो, उसके अलावा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए।